अस्सलाम वालेकुम। तो नाजरीन, हम मौजूद हैं मॉडल टाउन कॉलेज में और यहाँ से मैंने इंटर किया था। और आपको एक बहुत मज़े की बात बताती चलूँ कि ये जो कॉलेज है और सामने जो आपको बड़ी प्लांट्स दिख रहे हैं, इनके पीछे गटर हुआ करता था और जो कि हमारा ठिकाना था। और ये दरख्त जो आप देख रहे हैं, ये दरख्त हमारा बड़ी था उस टाइम पे। और तरक्की इस कॉलेज ने ऐसा कर ली कि यहाँ पर बेंच भी पड़े हैं, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। और हमें नीचे बिठाया जाता था और यहाँ पर अभी चाइना फ्लावर्स बन गया। देखा, मैंने कहा था ना यहाँ गटर होगा। ये गटर हमारी परमानेंट जगह थी जहाँ पर हम आकर बैठा करते थे। हाँ, और यहाँ पर मोबाइल यूज़ करना बिल्कुल ममनू था, जैसे किसी कॉलेज में आप अफ्यून यूज़ कर रहे हो। वाह, व्हाट अ व्यू मैन, यहाँ से पेंटिंग बननी चाहिए वैसे। और वहाँ पर हमारी कैंटीन हुआ करती थी, जो कि अभी नहीं है कोरोना की वजह से। मैं भी खैर, वहाँ पर एक बबलू भाई हुआ करते थे, उनको हम बबली के नाम से छेड़ते थे। भाई, मैंने एक व्लॉग बना तो लिया, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि इस कॉलेज की तरक्की की शान में एक व्लॉग और बनाना चाहिए और आपको दिखाना चाहिए कि कॉलेज ने कितनी तरक्की कर ली है हमारे। खैर, वो वाला पोस्टर वहीं पर है। ये नहीं बदल सकता। खैर, यहाँ पर बहुत रश हुआ करता था कभी और हम लोग यहाँ पर समोसे और रोल खरीदा करते थे। वेल, वो वजू वाला एरिया था और उस दरख्त पे आपको अभी भी हम फाइन आर्ट्स वालों की आखिरी निशानियाँ मिलेंगी। ये हम लोगों ने पेंट किया था। और तरक्की में एक चीज़ ये भी आ जाती है, ये छत अब नहीं थी, अब टीचर्स की गाड़ियों को इज्जत मिल चुकी है। और ये नई नई प्रिंसिपल आई थी, तो ये नया नया शिफ्ट हुआ था हमारे जाते वक्त हुआ था। और यहाँ पंखे भी लग गए हैं। वाह यार, साफ़ सुथरा, यहाँ हम लोग कभी साफ जगह हमने देखी नहीं थी। और यहाँ सारी गाड़ियाँ खड़ी होती थी। और तो और आपको एक अजीब चीज़ दिखाऊँ, वो ये तीन चीज़ें हैं जिसको देख के हमारे मुँह खुल गए। वाह यार, ये क्या लग गया, यहाँ टीचर्स की गाड़ियाँ। हाँ, फ़र्क सिर्फ इतना आया कि यहाँ पर फर्श वर्श पक्का हो गया। ये आपको हमारी बाकियात मिलेंगी। और ये देखें, ये हम फाइनल सालों ने किया था। इस जगह को देखकर मेरी अंदर की जो वो प्रॉक्टर थी वो दोबारा से जाग गई है, इसलिए मैं अपना फ़ोन रखने लगी हूँ अंदर। ये था हमारा कंप्यूटर डिपार्टमेंट और ये था हमारा रहने की जगह। और जी, ये तो है हमारा ओल्ड ब्लॉक अंदर की तरफ जो मेन बिल्डिंग है। और इस क्लास में ये है रूम नंबर 15। यहाँ हम हर ब्रेक में आके बैठा करते थे रोज़ाना, मैं, आयमा, मारिया, हिरा हम लोग। और ये है वो जगह जहाँ से हम गुजरा करते थे। ये हमारी इस्लामिया की क्लास हुआ करती थी, सामने लाइब्रेरी है। इस कॉलेज की सिर्फ एक लाइब्रेरी खूबसूरत हुआ करती थी, साफ़ सुथरी, लेकिन अब पूरा कॉलेज बदल गया है ना। ये वही पुरानी जब ये हैं, वही सब कुछ है, काफ़ी कुछ है जो बदल गया, लेकिन काफ़ी कुछ है जो वही है, सेम थिंग अगेन, पता नहीं। अच्छा, और ये वो एरिया था जहाँ मैं टीचर को लेने आया करती थी, लाइक वो वाली सबसे पहले वाली क्लास जो थी ना, वहाँ पर मेरी क्लास हुआ करती थी एजुकेशन की। और ये जो अलमारियाँ आपको दिख रही हैं, उनमें से मैम का कैबिन की चाबियाँ मेरे पास होती थी और मैं रोज़ मैम की बुक्स लेके आया करती थी, बल्कि मैम को पिक करने भी जाती थी। जी, तो ये है डोरवे और यहाँ से हम लोग जाते हैं सेकंड शिफ्ट की बिल्डिंग को, जो मेरे से कोसों दूर थी क्योंकि यहाँ पर कॉमर्स के बच्चे पढ़ते थे। ये जो रास्ता है आपको लेके जाएगा सीधा ओल्ड ब्लॉक पे। ओल्ड ब्लॉक जो है ना, वो बहुत ही मज़े की जगह है, पता क्यों? क्योंकि इस ब्लॉक की जो ऊपर वो वाली क्लास है ना, वो दिखती है पार्क की तरफ। और उस टाइम पर हम लोग पार्क में देखा करते थे, लोग डेटिंग करते थे और हम उनको छेड़ा करते थे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा ब्लॉक है। और ये मेरी फाइन आर्ट्स की क्लास हुआ करती थी और इसमें जो आपको कलर्स दिखेंगे वो सारे मेरे अपने लगाए हुए थे। यहाँ मैंने फाइन आर्ट्स भी लिखा था उस दौर में, जो कि अब मिट चुका है, लेकिन ये ब्लू कलर मैं तभी लगाया करती थी। ये सारे ब्लू कलर मेरे लगाए थे। ये सेक्शन ए, ये सब मैंने लिखा है, एस ई सी, और ये ए। और मैं तब भी हैवी स्ट्रोक आर्टिस्ट थी भाई, उस वक्त भी मैं हैवी स्ट्रोक लगाया करती थी, नो ऑयल वर्किंग। हाँ, ये देखो फाइन आर्ट्स, एफ आई एन ई, और ये आर्ट्स। अच्छा टाइम था भाई। जी, तो इन सीढ़ियों से हम जाते थे ऊपर। और मैंने सुना था इस ब्लॉक के बारे में कि यहाँ पर जिन्नात हैं। हम फिर भी यहाँ पर जिन्नात से मुलाकात का वेट करने के लिए रहते थे। और वहाँ पर एक छत होती थी जो कि फिल हो गई अब। और सुनने में ये आया था कि जिन्नात इस कमरे में जिन्नात इस कमरे में हैं, और यह कमरा जो है वो यहाँ कंप्यूटर होते हैं। वैसे हॉरर सा ही था ये इलाका भी, ये देखें। हाँ यार, जिन्नात निकले बाहर। तो चलिए, आपको हम मेन कोर्स की तरफ लेके जाते हैं, जो कि है ये वाला क्लासरूम। यहाँ एरोबिक्स किया करती थी मेरी क्लास फेलोज़। ये है मॉडल टाउन पार्क और आपको इस बहुत सीधा दरवाजे से अंदाज़ा हो ही रहा होगा कि ये कितना पुराना, और ये कॉलेज कितनी भी तरक्की कर ले, इस क्लासरूम को ठीक नहीं कर पाया। और यहाँ वही सब है जो पहले हुआ करता था। यहाँ पर जो है खौफनाक चीज़ें होती थी, यहाँ पानी हमेशा बहता रहता था। जी, तो ये है सारे ब्लॉक्स के पीछे एरिया। यहाँ पर क्या लिखा है वो तो मैं आपको पढ़ने नहीं दूंगी, लेकिन यहाँ लिखा बहुत कुछ हुआ है, बहुत सारा कुछ। और अजीब बात यह है कि सिर्फ हमारे बैच ने यहाँ पर सब लिखा था उससे पहले, तो ये सब कुछ पहले भी था। हाँ, ये सबसे साफ़ सुथरा वॉशरूम हुआ करता था, जो जाने के लिए उस टाइम पर बेहतरीन था। यहाँ से आता है एक डोरवे, ये बड़ी शांत जगह थी जहाँ कम लोग हुआ करते थे। यहाँ पर एक दरख्त है ये वाला, जहाँ लोग अपनी दोस्ती के किस्से घड़के जाते थे और मोहब्बतों के लिए। मोमिना, आमिना, एक बंदी थी आमिना, वो काफ़ी अच्छी थी, सीनियर थी मेरी, ये उसने लिखा था। हाँ, यहाँ से जाता था एरिया हमारा फाइनल, जो सामने का सहन है वहाँ पर। और
हम लोग यहाँ से भाग के आ करते थे क्योंकि वहाँ पर बहुत लोग जमा हुआ करते थे। मुझे ये दरवाज़ा बहुत पसंद था और उस टाइम पे हम फोन यूज़ नहीं कर सकते थे और हमारे फोन थे भी नहीं। मैं यहाँ पर हमेशा फोटो खिंचवाना चाहती थी और अभी इतना इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा था उस टाइम पर लग रहा था हमें जी। तो मैं इस तंग सी गली से यहाँ पर आ गई हूँ और ये है यहाँ एडमिशन कराने के लोग आए हैं और ये देखिए कोरोना के इंतजाम इतने ज़्यादा वो असूल कभी नहीं बने। इस कॉलेज में वर्ड असूल नाम लेना मुश्किल हो रहा है। ये थी हमारी कॉलेज बस जहाँ पर मेरी गुंडागर्दी चला करती थी। मैं ड्राइवर की सीट के पीछे बैठा करती थी क्योंकि मैं अंकल को कहती थी अंकल यहाँ पर अगर मुझे जगह ना मिली तो यहाँ किसी को बैठने नहीं दूँगी। यहाँ बैठती थी मैं और ये है फ्रंट ग्राउंड। मैं यहाँ की प्रॉपर थी और ये है फाइनल यहाँ की लुक। दिखने में बहुत सिंपल सा एक कॉलेज है और इस कॉलेज में बहुत से लोग हो गए हैं पता नहीं लाइक हमारी मदर्स के एज की वहाँ यहाँ पर खवातीन जो है पढ़ के गई हैं अब वो हमारी मदर्स की एज की हो गई होंगी। ये है फ्रंट डोर। सामने है अंकल। ये था मेरा 2015 से 2017 तक का कॉलेज। आज मैं यहाँ डिग्री लेने गई थी। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी व्लॉगिंग की तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। आई नो ये बहुत रैंडम थी और अनस्किल्ड थी लेकिन ये मेरे लिए बहुत स्पेशल थी। आप लोगों को ये कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मुझे फर्दर अच्छी व्लॉगिंग करनी चाहिए या नहीं आप अपनी राय का इजहार भी कर सकते हैं। मेरे 50 सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं। आफ्टर 100 मैं एक ब्लॉग और भी अपलोड करूँगी जो कि इंशाल्लाह इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा और आपको वो देखने में मज़ा आएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कोई सवाल है तो कमेंट करें, शेयर करना आपकी मर्ज़ी और सब्सक्राइब करना तो बनता है। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। अल्लाह हाफिज़।